अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ हेल्थ एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेमन वैक्स के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त है, सॉफ्ट टच गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक की ये लेमन वैक्स है। अप्लाई एंड रिमूव इसके ऊपर मेंशन किया गया, और इसके अलावा इसके ऊपर जो मेंशन किया गया है कि ये लेमन वैक्स है, यानी कि ये लेमन से बनी हुई है। ये समर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये किस तरीके से आपकी रंगत को गोरा करती है, और इसके अलावा इसके प्राइस की बात करेंगे, और कौन लोग, किस टाइप की स्किन वाले लोग जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आपके साथ बिल्कुल डिटेल के साथ शेयर करूँगी। इसका फुल रिव्यू दूंगी आपको। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको कोई भी स्टेप जो है आप मिस ना करें और वीडियो को डिटेल से समझ पाएं। चलिए जनाब, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि जब आप बेल बटन को प्रेस कर देते हैं तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाता है, और जब अपने घर के कामकाज से आप फ्री हो जाती हैं तो आराम से बैठकर मेरी वीडियो को डिटेल से देख सकती हैं। चलिए जनाब, आज हम बात करें हैं लेमन वैक्स के बारे में। इन द पैकेज क्रीम जार क्लॉथ स्ट्रिप्स फॉर एप्लीकेशन आफ्टर वैक्स लोशन, इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि इसके अंदर ये चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा मैं ये बात आपको डिटेल से बताना चाहती हूँ कि ये वो उन बच्चियों के लिए बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड है कि जो लोग घर में रहकर वैक्सिंग करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम घर में रह कर वैक्स करें और हमें कोई भी मतलब मसला ना हो, ज़्यादा कॉस्ट भी ना लगानी पड़े और पार्लर भी ना जाना पड़े, और घर में पार्लर जैसी वैक्सिंग घर पे ही इजीली कर सके, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको ओपन करके मैं दिखाती हूँ कि इसकी पैकेजिंग किस तरीके की है। यहाँ से मैं इसको ओपन करती हूँ, ये देखें, इसके अंदर ये आफ्टर वैक्स लोशन दिया गया है, जो वैक्सिंग करने के बाद हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ करने के लिए उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये देखें, इसके ऊपर इसका मेथड भी डिटेल के साथ दिया गया है। आप लोग अगर पढ़ सकते हैं तो इसको डिटेल से आपने रीड आउट कर लेना है जब आप इसको परचेज़ करें। उसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रिप्स दिया गया है, अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक स्ट्रिप दिया गया है। नेक्स्ट, इसके अंदर हम बात करें हैं वैक्सिंग की, तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है वैक्स, बहुत ही ज़बरदस्त सी वैक्स है ये। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखें इस तरीके की इसका टेक्सचर है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वैक्स है। ये देखें इसका टेक्सचर कुछ यूँ है, जब आप इसको वर्म करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंट में आ जाएगा, और आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करना बहुत ईजी है। अप्लाई करने का मैं आपको मेथड जो है वो डिटेल के साथ बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर डिटेल के साथ बताया गया है किस तरीके से अप्लाई करना है, किस स्किन पे अप्लाई करना है, कितने मिनट के लिए अप्लाई करना है, वॉश करना है, और इवन के सारी चीज़ें जो है डिटेल के साथ इसके ऊपर मेंशन की गई हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको रीड आउट कर लेना है। अगर मेरी वीडियो आपसे स्किप भी हो जाती है तो आप लोगों ने इसको रीड आउट करके उसके बाद ही इसको यूज़ करना है। और इसके अलावा ये ऑल टाइप स्किन के लिए ज़बरदस्त है। बस कोशिश किया करें कि पॉलिश वगैरह से पहले जो है ना इसको मतलब पॉलिश करने के बाद इसको अप्लाई किया करें, फौरन नहीं, एक आध दिन के बाद इसको अप्लाई करें तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट भी रहती है, अच्छी भी रहती है। और इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने करना क्या है, आपने इसको वार्म कर लेना है, थोड़ा सा नीम गर्म पानी के अंदर इसको डिप कर ले। अगर आपके पास वार्मर है यानी कि इसकी वैक्सिंग मशीन है तो वो उसके अंदर डालकर आपने इसको गर्म कर लेना है, और उसके बाद आपने आइस स्टिक के साथ अपना इफेक्टेड एरिए पर जहाँ से आप हेयर रिमूव करना चाहते हैं वहाँ पर आपने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है। एक लेयर जो है वो आपने थिक नहीं, आपने पतली सी लेयर लगानी है। जितनी पतली लेयर लगाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जब आप मोटी लेयर लगाते हैं तो बाल जो है वो टूट जाता है, और जो छोटा बाल होता है वो कभी भी दोबारा स्ट्रिप लगाने से नहीं आता। इवन कि आप उसको थ्रेडिंग के ज़रिए भी निकालना चाहें तो बहुत मुश्किल से
वो निकलता है। इसलिए कोशिश किया करें हल्की सी लेयर लगा लिया करें। लगाने के बाद आप लोगों ने उसके ऊपर स्ट्रिप रखनी है और उसको हल्का सा थपथपा कर आपने अपर यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको स्ट्रिप को खींचना है। आपने खींचने के बाद वहाँ से थोड़ा सा प्रेस कर लिया करें और प्रेस करने के बाद वैक्सिंग लोशन, आफ्टर वैक्सिंग लोशन जो है वो अप्लाई कर लिया करें। इस तरीके से आप अपनी वैक्सिंग जो घर में आसानी से कर सकती हैं। मेरी डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो बनाई हुई है वैक्सिंग गार्नियर वैक्सिंग के ऊपर। मैंने उसके अंदर आपको अप्लाई करने का मेथड, इसको गर्म करने का, किस तरीके से अप्लाई किया, सब चीज़ें बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आप बताई हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप लोगों ने ज़रूर चेकआउट करना है। चैनल पे मेरी ऑल वीडियो जो है अपलोड की गई हैं, हर तरह की हेयर्स के बारे में, नेल्स के बारे में, आपके बॉडी के बारे में, वेट लॉस के बारे में। आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप मेरे चैनल पे सर्च करके वीडियो जो है आप आराम से देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो ढूंढ सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताया करें, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी और आपको डिटेल के साथ उसकी वीडियो बनाकर आपको उसका मेथड भी बताऊंगी। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि 120 की, 100 की, कहीं से 150 की भी ये आपको मार्केट से मिलेगी। इसके ऊपर एक्सपायरी भी मेंशन की गई है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको किसी भी जगह से, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आराम से मिल जाएगी। आप लोगों ने ये बॉक्स परचेज कर लेना है। अगर आप सेपरेट यानी कि खुद अपने लिए सिर्फ परचेज करके ला रहे हैं तो आप इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी सी वैक्सिंग मिल जाएगी। आप लोगों ने इस तरीके से आपने इसको यूज़ कर लेना है और रिजल्ट जो है कमेंट्स बॉक्स में बताने हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।